हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप्स। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं की तृतीय तिमाही यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में नाभि के ऊपर से लेके नीचे तक एक डार्क लाइन दिखाई देती है, जिसे लीनिया निग्रा कहते हैं। और ये लाइन गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल बदलाव के कारण दिखती है। दोस्तों, पुराने समय में बड़े बुजुर्गों द्वारा और दादी नानियों द्वारा ये अनुमान लगाया जाता था कि गर्भ की जो नाभि में जो लाइन जा रही है, उसके द्वारा भी हम ये पता कर सकते हैं कि गर्भ में लड़का है या लड़की। तो पुराने समय से चली आ रही इन परंपराओं के आधार पर ही मैं आज आपको बताऊंगी कि नाभि की लाइन के द्वारा आप कैसे अंदाजा लगा सकती हैं कि आपके आने वाली संतान लड़का होगी या लड़की। मगर ये सब जानने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट करिए, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए, ताकि आप मेरी इस तरह की आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारा ये चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप लड़का और लड़की में भेद नहीं करता है, और जो लोग भी इस तरह लड़की या लड़के में भेद करते हैं, हम उन लोगों की कड़ी निंदा करते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ ये जानने के लिए उत्सुक है कि उनकी आने वाली संतान लड़का है या लड़की। तो नाभि की लाइन द्वारा लड़का है या लड़की जानने के लिए मेरी इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप नाभि के द्वारा ये जान सकती हैं कि आपके आने वाली संतान लड़का है या लड़की। दोस्तों, नाभि पर पड़ी ये लाइन अगर नीचे से ऊपर सिर्फ नाभि तक ही स्थिर है और नाभि से ऊपर नहीं बढ़ी हुई है, तो समझ जाइए कि आपकी आने वाली संतान लड़की है। और अगर ये लाइन नाभि पर पड़ी ये लाइन अगर नाभि से ऊपर यानी कि आपकी छाती तक जाती है, तो समझ जाइए कि आप एक लड़के को जन्म देने वाली हैं। नाभि से ऊपर यानी छाती की तरफ जाती हुई लाइन में भी दो बातें कही जाती हैं कि अगर नाभि के ऊपर ये लाइन अगर सीधी आपकी जा रही है, बिल्कुल नाभि से नीचे से लेके नाभि के ऊपर सीधी तक ये लाइन जाती है, तो आप लड़के को जन्म देने वाली हैं। और अगर ये लाइन कहीं पर टेढ़ी हो जाती है, तिरछी हो जाती है, या ऊपरी साइड हल्की होके नाभि के ऊपर हल्की होती है और तिरछी होती है, यानी कि सीध नहीं होती है एक सीध में, तो आप एक लड़की को जन्म देने वाली हैं। तो दोस्तों, ये थी नाभि की लाइन द्वारा लड़का या लड़की होने की उत्सुकता को जानने का एक तथ्य। इसके साथ ही दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि भारत में लिंग परीक्षण कराना एक कानूनन अपराध है, तो प्लीज़ इस टाइप का कोई भी आप कदम ना उठाएं, क्योंकि बेटा और बेटी होना हमारे हाथ पे नहीं है, भगवान के हाथ में है, और वो लड़की को उतनी ही शिक्षा और सम्मान दुनिया में देते हैं जितना कि एक लड़के को देते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लड़के और लड़की में बिल्कुल भी भेद ना करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी नाभि की लाइन द्वारा पता करने की कि आपकी आने वाली संतान लड़का है या लड़की। और हाँ, साथ में मुझे सजेस्ट करिए कि आप किस टाइप की प्रेगनेंसी वाली वीडियोस देखना चाहती है, क्या जानकारी चाहती है, ताकि मैं वो जानकारियाँ लेकर आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो बना सकूँ और आपको जानकारी दे सकूँ। तो मेरी ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।